आपका हार्दिक स्वागत। अगली गेंद पंचम सिंह की सामना करेंगे राम सिंह। बहुत ही अच्छी गेंद थी, गेंद को खेल गया कवर की तरफ, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रहे दिन ही चार रनों के लिए। मयंक की गेंदबाजी, अनिल को हल्के से इसको खेला, दीपक कोहले की तरफ खूबसूरत चौका, ये फील्डर थोड़ा ढीले पड़ गए और गेंद बहुत तेजी से आगे निकल गई। जिस तरह बूढ़े शेर के आगे से एक युवा खरगोश निकल जाता है, कुछ उसी तरह बॉल फील्डर को छकाती हुई चार रन के लिए निकली। ये लगा जीएसटी चौका गोली से ताड़ी ऊंचाई। और यहाँ पे एक अच्छा शॉट, थोड़ा सा कूड़ा है, उसको जरूर डस्टबिन में डालें। अगली गेंद पे अच्छा शॉट, एक्स्ट्रा कवर की तरफ मारा है, फील्डर नहीं पाया और बॉल एक उजाड़ी बकरी की तरह। और अपील जबरदस्त, अंपायर के हाथ हवा में और इस तरह अनिल आउट। पहला झटका यहाँ पे भैरव नाथ क्लब को लगा है। हरीश ने यार बोल्ड कर दिया सुनील को यहाँ पे। सुबह माँ कालिका के मंदिर में गए थे, विभूति लगा के आए हैं और उसी का परिणाम है कि ये सफलता उन्हें मिली। दो पांचवे ओवर की आखिरी बॉल, 29 गेंदों में 29 रन बन चुके हैं। हरीश रावत के सामने राम सिंह, बहुत अच्छा गैप में खेला है, फील्डर लंबी चेज के लिए गए, सुंदर काम उनका वहां पे, बॉल को अंदर धकेला, लेकिन तब तक दो रन दौड़ लिए दोनों बल्लेबाजों ने। जो उत्तराखंड के युवा खिलाड़ी है और यहाँ पे बॉल को हवा में खेला था, एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने बहुत ही सुंदर कैच पकड़ लिया और यहाँ पे तीसरा झटका लग चुका है श्री भैरव नाथ क्लब को। थोड़ा सा मुश्किल है, जो वो जो पुंगड़िया मैच है उन्हीं में हिटर लगाने के लिए बहुत जाने जाते हैं। और एक और झटका यहाँ पे, चौथी सफलता माँ कालिंका क्लब को। और अब टॉस जीत के कप्तान का जो फैसला था वो कहीं ना कहीं स्कूल नहीं जाते थे, कभी गलती से लगी। खूबसूरत चौका यहाँ पे, देखा मौका है, खूबसूरत स्क्वायर कट किया यहाँ पे, 900 रुपया किलो या कुछ रेट से बिक सकता है। अगली गेंद 37 स्कोर है और ये 38 रन ऑफ द इनिंग। मनीष के बल्ले से 70 रन मारे थे तो टीम इंडिया की भी हालत अच्छी नहीं थी, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी। और मनीष का एक अच्छा शॉट, यहाँ पे रन मिलेगा सिर्फ एक से आयु उत्तराखंड की। एक सफलता यहाँ पे दिला दी अपनी टीम को इस गेंदबाज ने, माँ कालिंका क्लब। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन भैरव नाथ क्लब के बल्लेबाजों को, कहीं भी टिकने नहीं। और दूसरे मैदान का शोर, ओ एक और कामयाबी अजय को, फोर्थ सक्सेस फॉर अजय एंड सिक्स्थ फॉर हिज टीम। व्हाट ए वंडरफुल डिस्प्ले ऑफ बॉलिंग बाय अजय, द यंग टैलेंटेड प्लेयर फ्रॉम माँ कालिंका क्लब। उम्मीद करते हैं इस बार भी नोएडा के स्टेडियम में ऐसा ही मुकाबला देखने को मिलेगा। यहां पर हवा में उछाल कर खेला है गेंद को, मगर फील्डर रोक नहीं पाएंगे और गेंद डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर, चार रन। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। इस बार फिर से स्क्वायर लेग की दिशा में धकेला है, एक रन पूरा किया, काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी फील्डर को। और फिर बड़े हुए कदम में वो चैंपियन बने थे बसंत कुंज के खूबसूरत स्टेडियम पर, उसके बाद द्वारिका में भी एक बड़ी, यहां पर क्लीन बोल्ड आउट हो गए। शानदार गेंद थी ये मनीष की पारी का अंतवा, सातवां झटका जैम भैरवनाथ क्लब। काफी मुश्किल हालत में है, 46 रन 7 विकेट के नुकसान पर। ओह यहां पर फिर से किलिया बिखेर हुई, अर्जुन सिंह की पारी का अंतवा, आठवां झटका भैरवनाथ क्लब की टीम को। और हैट्रिक पे होंगे ये बोलर,
क्या घातक गेंदबाजी कि मुझे विकेट पर भी आना होगा, मगर यही क्रिकेट का अनिश्चितताओं का खेल है। बहुत बढ़िया यॉर्कर लेन गए और यहाँ पर हैट्रिक उन्होंने अपने नाम दर्ज करवा लिया है। लोकेश तिवारी ने क्या घातक गेंदबाजी की है और देवभूमि स्पोर्ट्स महाकाली फाउंडेशन में हैट्रिक लगाने वाले बनाने वाली की पुष्पेंद्र सिंह रावत की तरफ से लोकेश के लिए हैट्रिक पे 101 रुपए का इनाम दिया गया है, तो तारीफ करनी पड़ेगी। अगली गेंद बहुत ही खूबसूरत चौका यहाँ से संजय आर कालिंका स्पोर्ट्स क्लब के गेंदबाजों के द्वारा। अजय बहुत ही अच्छी गेंद है, गोल को खूबसूरत तरीके से इस वाले की दिशा में खेल जाए। गेंद गंगनाती ही इसी वाला क्योंकि भारतीय टीम दिखाई दे रही है। 12 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ 56 रन। अगली गेंद अजय की बहुत ही अच्छी गेंद थी, खूबसूरत ड्राइव कर दिया था, कवर की तरफ गेंद आ रही है सीमा रेखा की तरफ, लेकिन लॉन्ग वहां पे बाहर रन कहेंगे जिस हिसाब से यहां पे गढ़पाल मल्ला की टीम ने आज परफॉर्मेंस दी है। तो अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद, बैट को मुंह खोलते हुए गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही, क्या फील्डर वहां पे रोक पाते नहीं। जी हाँ, वहां पे काफी अच्छी फील्डिंग, वहां पे रन खर्च किया अपनी टीम के लिए, एक विकेट अभी तक लिया है मयंक ने। सामना करेंगे संजय, 10 गेंदों का सामना करते हैं 7 रन पे। बहुत अच्छी गेंद, शानदार कवर ड्राइव, गेंद गंगनाती हुई सीमा रेखा की तरफ जा रही है, लेकिन वहां पे बाउंड्री लाइन पे फील्डर मौजूद थे। काफी अच्छी पार्टनरशिप कहूंगा मैं, और बचे हुए दो गेंदों में, दो ओवर में अगर 20 रन भी आते तो काफी महंगे होंगे। बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, गेंद गंगनाती हुई सीमा रेखा की तरफ जा रही है। अगली गेंद मयंक सुयाल की, सामना करेंगे संजय, बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेकिन इस गेंद का हल्के हाथों से मिडल की तरफ खेल दिया है, क्या दूसरा रन पलट ले पाएंगे। जी नहीं, सामने वाला रहा 15 ओवर और अच्छी बल्लेबाजी मैं कहूंगा संजय और सुरेंद्र के बीच में। संजय अच्छी गेंद थी, गेंद को खेल दिया है, कमेंट्री बॉक्स से ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार कर चुकी है, 6 रनों के लिए खूबसूरत छक्का निकल। अभी भी 78 रन, 9 विकेट के नुकसान पे भैरव नाथ क्लब की अगली गेंद सामना करेंगे संजय। बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन क्लीन बॉल आ चुके हैं और इस तरीके से 10वें विकेट का पतन भी गढ़पाल मल्ला का, और 15 ओवर की समाप्ति पे 78 रन गढ़पाल मल्ला का और 79 रन जीतने के लिए चाहिए अपने पहले ओवर का। बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेकिन अच्छी फील्डिंग पे आकर रन आउट हो चुके थे, लेकिन खुशकिस्मती मिली अगली गेंद, अच्छी गेंद थी लेकिन गेंद गंगनाती हुई सीमा रेखा की तरफ जाएगी, 4 रनों के लिए स्ट्राइक पे। 4 गेंद का सामना करते हुए खाता नहीं खोल पाए, अच्छी गेंद थी लेकिन हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था कवर की तरफ, लेकिन हल्के से मिसफील्डिंग हुआ, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है। सामना करके मोहन, बहुत अच्छी गेंद थी, इतनी खूबसूरत फील्डिंग वहां पे राम सिंह के द्वारा। माफी चाहूंगा, अगले गेंद अनिल की, अच्छी गेंद थी बहुत ही, लेकिन हल्के से मिसफील्डिंग हुआ वहां पे जसपाल के द्वारा। भूपेश उपाध्याय जी को धन्यवाद। योगेंद्र बहुत ही खूबसूरत मैच यहाँ पे गैप में खेल दिया, 4 रन मिलेंगे माँ कालिंका क्लब जो कि देवभूमि उत्तराखंड का डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन अभी थोड़ा हालात मुश्किल है। भैरव नाथ वाली
हाथ से निकल जाएगा अगले गेंद ओवर तक विकेट बॉलिंग करते हुए बहुत ही अच्छी गेंद लेकिन खूबसूरत ड्राइव करके स्ट्रेट ड्राइव गेंद सीमा रेखा के पार कर चुके हैं चार रनों के लिए अगले गेंद एक बार फिर से पटकी हुई गेंद और गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है चार रनों के लिए 57 रन जबकि 9 ओवर प्रगति पे लास्ट जो 2 ओवर फेंके गए थे घोड़पाले की तरफ से एक गेंद खड़ी हो चुकी है गेंद सीमा रेखा के बाहर जी हाँ भूपेंद्र सिंह का धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अगले गेंद सुनील की सुनील अपने कोटे का तीसरा ओवर लेते हैं और बहुत ही खूब यहाँ पे भैरव नाथ क्लब की टीम में सामना करके दीपक अच्छी गेंदी हल्की से हल्के से का टॉपेज खेलते गेंद अंदर आती है सीमा की तरफ जाइए फाइनल की दिशा में लेकिन स्कोर बोर्ड में तो मात्र 2 रन की आवश्यकता यहाँ पे सुनील आगे बढ़कर घुमाना चाहते हैं लेकिन गेंद खड़ी हो गई क्या भरा वहां पे कैच कर पाते नहीं लेकिन इतनी खूबसूरत कैच वहां पे अर्जुन के द्वारा करेंगे और सामना करेंगे लोकेश तिवारी बिना खाता खोले हुए अभी मैदान पे डटे हुए लोकेश क्या इस मैच पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को मोड़ दिया है और गेंद गेंद बनाते ही सीमा रेखा की तरफ जा रही है तो पहला चौका यहाँ पे और टीम यहाँ पे विजयी जय कालिंगा स्पोर्ट्स क्लब के भाई जो फील्डिंग कर रहे हैं वो बॉल लेके आए एक बार